हेलो गाइस, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जगदीश सूर्यवंशी। एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि पंचायत दर्पण में DSC से पेमेंट करने के लिए हमें कंप्यूटर में कौन सी सेटिंग करने पड़ेगी ताकि हमारी DSC उसमें लग जाए और पेमेंट हमारा हो जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमारे पास जो लेटेस्ट वर्जन है विंडो के 8 या 10 वो होना चाहिए। उसके बाद हमें पंचायत दर्पण में DSC से पेमेंट के लिए सिर्फ छोटी सी दो सेटिंग करनी है, जिसे मैं आपको इस कंप्यूटर के माध्यम से ऑपरेट करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, हमें कंट्रोल पैनल में जाना है। तो जो भी आपके सिस्टम का कंट्रोल पैनल में आप जाइए, कंट्रोल पैनल सर्च कर लीजिए। ये कंट्रोल पैनल ओपन हो रहा दोस्तों। इसमें देखिए, जो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर जो भी है, ये डिटेल ये आ गया। इसके सबसे पहले ये जो देखिए, जावा प्रोग्राम जो है, जावा प्रोग्राम को आप ओपन कीजिए। ये मैंने जावा प्रोग्राम को ओपन किया है और इसके जावा प्रोग्राम के सिक्योरिटी ऑप्शन में हमें जाना है दोस्तों। ये सिक्योरिटी ऑप्शन में हम जाएंगे और एडिट साइड हमें करना है। इसमें एडिट साइड ये देखिए, ये ऐसा आ जाएगा कुछ। और ये जो यहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ पर ये तीन तीन जो वेबसाइट हैं उसको हमें यहाँ पर ऐड करना है। एक है mppsc.mp.nic.in, दूसरा है prd.mp.gov.in, तीसरा है www.swachh.mp.gov.in/। तो ये हमें ऐड करना, तो ये ऐड ऑप्शन को हम क्लिक करते तो ये नया, मैंने पहले से ये ऐड करी हुई है इसलिए ये पहले से शो हो रही। यदि आप नया सिस्टम है जिसमें ये साइड आपकी जावा प्रोग्राम में नहीं डली है, तो ये ऐड ऑप्शन से करके ये तीनों वेबसाइट का लिंक हमें यहाँ पर डाल देना है और इसके बाद हमें सेव कर लेना है। तो ये मेरी पहले से डली हुई इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जावा प्रोग्राम को ओपन करके ये उसके सिक्योरिटी ऑप्शन में जाके एडिट साइड लिस्ट से जाके ये तीन वेबसाइट को हमें ऐड करना है और ओके अप्लाई करके सेव कर देना है। और दूसरा, इसी के कंट्रोल पैनल के अंदर ही जो इंटरनेट ऑप्शन है, ये देखिए ये वाला ऑप्शन दोस्तों, ये इंटरनेट ऑप्शन ये जो दिख रहा है आपको, इसको हमें ओपन करना है। इसको हम ओपन कर रहे हैं दोस्तों, इंटरनेट ऑप्शन कंट्रोल पैनल के अंदर। सबसे पहले ये इंटरनेट ऑप्शन हो गया दोस्तों, इसमें भी हमें इसके इंटरनेट ऑप्शन की प्रॉपर्टीज जो खुलेगी इंटरनेट ऑप्शन की, उसके सिक्योरिटी ऑप्शन में हमें जाना दोस्तों। उसके सिक्योरिटी ऑप्शन में ये जो दिख रहा है राइट का निशान थ्रेस्ट साइड, इसको हमें क्लिक करना और ये साइड ऑप्शन में क्लिक करना है। और इसमें भी ये तीन वेबसाइट आपको दिखती होंगी, पहली mppsc.mp.nic.in, prd.mp.gov.in, www.swachh.mp.gov.in। इसे हमें ऐड करना है दोस्तों। ये चेक बॉक्स आपको दिखता होगा, ये पहले से क्लिक होगा। यदि कोई साइट ऐड करना तो हमें इसे चेक बॉक्स को हटाना होगा और ऐड दिस साइट वेबसाइट टू द जोन, इस जगह पे हमें जो भी वेबसाइट लिखना है ये ऐसे लिखना है और ये ऐड ऑप्शन से ऐड करनी होगी। तो बस इतनी ही सेटिंग हमें
प्रिया सॉफ्ट से पेमेंट करने के लिए करनी है, इसके अतिरिक्त कोई और सेटिंग नहीं करनी है। तो ये इंटरनेट ऑप्शन की सेटिंग मैंने आपको बताया कि इंटरनेट ऑप्शन से हमें भी इसमें भी सिक्योरिटी ऑप्शन में जाना, थ्रेश साइड में जाना है और ये तीन वेबसाइट को ऐड करना है, और ऐसे ही इसमें जावा प्रोग्राम में जाके हमें ऐड करना है। बस इतनी ही सेटिंग पंचायत दर्पण में DSC से पेमेंट के लिए हमें करनी है। लेकिन दोस्तों एक बात उसमें और है कि जिस जैसे प्रिया सॉफ्ट का पेमेंट आपने पहले किसी कंप्यूटर के माध्यम से या लैपटॉप के माध्यम से किया है और उसमें आपकी DSC रन हुई हो, DSC चलती हुई हो, उसी कंप्यूटर पे आप ये सेटिंग करेंगे तभी ये पेमेंट होगा, अन्यथा नहीं होगा। सबसे पहले हमें DSC साइनर जो DSC का ड्राइवर है वो प्रॉपर इंस्टॉल होना चाहिए आपके कंप्यूटर में। मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि प्रिया सॉफ्ट में DSC का ड्राइवर, जो भी कंपनी की आपकी DSC है, आपने उससे पेमेंट कर लिया है, इसका मतलब ये है कि आपका प्रॉपर उसमें ड्राइवर DSC का इंस्टॉल है और साइनर भी इंस्टॉल है। इसलिए उसमें आप ये सेटिंग करेंगे तो पंचायत दर्पण में भी आप इससे पेमेंट कर पाएंगे, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों कंट्रोल पैनल को बंद कर देते हैं। मैंने बताया आपको कि ऐसा ऐसा करना है और ये चलेगा दोस्तों, आपको मैं बता दूँ इंटरनेट एक्सप्लोरर में। तो आप जो ये देखिए ये वाला जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है इसमें ही आपका पेमेंट होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये आपको इसकी जो एसेसरीज हैं, विंडो एसेसरीज हैं, उसमें आपको मिल जाएगा। मैं वहाँ से भी ओपन करके आपको एक बार दिखा देता हूँ कि ये वाला ब्राउज़र आपको कहाँ पर मिलेगा। जो इंटरनेट एसेसरीज हैं उसमें मिलेगा, ये विंडो एसेसरीज दोस्तों, सॉरी इंटरनेट एसेसरीज बोलो, ये विंडो एसेसरीज है। इसमें ये जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है इसमें आप पेमेंट करेंगे तो बहुत आसानी से प्रिया पंचायत दर्पण का पेमेंट हो जाएगा। या ये वाला आपके पास नहीं है तो फिर मोजिला फायरफॉक्स जो है उसका अपडेट वर्जन होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका पंचायत दर्पण पे प्रिया पंचायत दर्पण में DSC से पेमेंट होगा। और ये सेटिंग करने के बाद आप लेटेस्ट वर्जन फायरफॉक्स का और या तो फिर जो इंटरनेट एक्सप्लोरर का ये वाला वर्जन जो मैंने बताया आपको डिटेल से, उससे करेंगे तो हो जाएगा। बस इतनी ही सेटिंग हमें पंचायत दर्पण में करनी है। धन्यवाद दोस्तों मेरा ये वीडियो देखने के लिए। यदि आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा और बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों।